हेलो एवरीवन, अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो बीएमएस बीबीएफआईए एंड बीबीई परस्यू करने की सोच रहा है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, सीयूईटी एग्जामिनेशन, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस एंड इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने सीयूईटी एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस इसलिए किया है ताकि स्टूडेंट्स को मल्टीपल एग्जाम ना देने पड़े और साथ ही साथ जो स्टूडेंट डिफरेंट बोर्ड्स के हैं उन्हें भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। अब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी देना पड़ेगा जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सीयूईटी एग्जामिनेशन 547 सिटीज एंड 13 फॉरेन सिटीज में कंडक्ट करवाया जाएगा। इस टेस्ट को इन 13 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। भले ही एडमिशन क्राइटेरिया अब 12th बोर्ड ना होके सीयूईटी कर दिया गया है, पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया अभी भी एप्लीकेबल है। द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर सम कैटेगरीज आर एज फॉलोज: 10% ईडब्ल्यू, 27% ओबीसी, 15% एससी, एंड देयर आर आल्सो सम सुपर न्यूमेरी सीट्स रिजर्व्ड फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज: 1% ईसीए, 5% for sports, 5% for persons with disability, as well as DU ward quota. आपके रेफरेंस के लिए सीट मैट्रिक्स शहीद सुखदेव कॉलेज का अटैच कर रखा है जो कि ईयर 2021-2022 का है और आने वाले ईयर्स में यही सीट मैट्रिक्स फॉलो होगा। अब हम बात करते हैं टेस्ट के स्ट्रक्चर की। टेस्ट आपके 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन आपका लैंग्वेजेस सेक्शन है जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर पूछी जाएगी। सेकेंड सेक्शन में आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपको एनसीईआरटी और क्लास 12th का सिलेबस फॉलो करना है। थर्ड सेक्शन आपका जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन होगा जिसमें आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस चेक होगी। अब बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन की। फर्स्ट सेक्शन को और दो सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 1A एंड 1B। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। अब मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 1A और सेक्शन 1B को मिलाकर। स्टूडेंट्स को लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है बेस्ड ऑन देयर कोर्स ऑफ चॉइस। चलिए इस चीज को अब एक एग्जांपल से समझा जाए। श्रेयस जर्नलिज्म कोर्स में एंटर होना चाहता है विद इधर इंग्लिश, हिंदी और बंगाली लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली के लिए टेस्ट देगा विच इज़ अ मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेजेस। श्रेया बीकॉम को टारगेट कर रही है और वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो शी विल अपीयर फॉर इंग्लिश टेस्ट ओनली। हर सब्जेक्ट की टेस्ट ड्यूरेशन आपकी 45 मिनट्स होगी जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन में से कोई भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड सेक्शन आपका डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है जिसको दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, B1 एंड B2। लिस्ट B1 में ये 18 सब्जेक्ट्स हैं और लिस्ट B2 में ये 9 सब्जेक्ट्स हैं। डोमेन स्पेस सब्जेक्ट आपको वो चूज करने हैं जो कि आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं जिसने क्लास 12th में अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपको वही सब्जेक्ट डोमेन लिस्ट में से चूज करने हैं। हर डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट की ड्यूरेशन 45 मिनट्स होगी और इसके अंदर आपको 50 गिवन क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड सेक्शन आपका जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है जिसमें से आपको टोटल 75 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। आप टोटल 9 टेस्ट दे सकते हैं इन 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पहले कॉम्बिनेशंस में आप 3 लैंग्वेजेस, 5 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड 1 जनरल टेस्ट दे सकते हैं। सेकेंड कॉम्बिनेशन में आप 2 लैंग्वेज, 6 डोमेन सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट दे सकते हैं। आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टारगेटेड कोर्सेज। चलिए अब इस बात को एग्जांपल से समझा जाए। श्रेया बीकॉम को टारगेट कर रही है और वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो वो ऑप्शन 2 चूज कर सकती है। 1
इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन टेस्ट एंड 1 जनरल टेस्ट. श्रेयस जर्नलिज्म को टारगेट कर रहा है विद ईदर इंग्लिश, हिंदी और बंगाली. सो ही विल चूज ऑप्शन 1 विच इज 3 लैंग्वेजेस, अ मैक्सिमम ऑफ 5 डोमेन टेस्ट एंड 1 जनरल टेस्ट. अब बात करते हैं टेस्ट की मार्किंग स्कीम की. 5 मार्क्स आपको हर करेक्ट आंसर के लिए दिए जाएंगे, 1 मार्क्स आपका हर गलत आंसर के लिए डिडक्ट होगा, और नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर एनी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएमएस, बीबीई और बीबीए एफआईए के लिए. जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वो ये रहे. टेस्ट आपका 2 स्लॉट में कंडक्ट करवाया जाएगा. स्लॉट 1 आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा. इसके अंदर कैंडिडेट मैक्सिमम 4 टेस्ट के लिए अपीयर हो सकता है, जो कि है 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन एंड 1 जनरल टेस्ट. स्लॉट 2 आफ्टरनून में कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके अंदर कैंडिडेट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट के लिए अपीयर हो सकता है, और ये 5 सब्जेक्ट 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं. द फर्स्ट वन 1 लैंग्वेज टेस्ट and 4 domain subjects, and the second one is 2 language test and 3 domain subjects. अब आते हैं syllabus और preparation strategy पर. पहला section आपका language section है, जिसमें आपकी reading comprehension, vocabulary and grammar test होगी. इस section को prepare करने के लिए आपको newspaper पढ़ना होगा, specially the editorial section. और grammar के लिए आप grammar books and YouTube की help ले सकते हैं. Next section आपका domain specific section है. इस सेक्शन में आपको अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है. हर सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस आपको सीयूईटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा. थर्ड सेक्शन आपका जनरल टेस्ट सेक्शन है, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग चेक होगी. जनरल नॉलेज में आपसे स्टैटिक जीके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. करंट अफेयर्स में आपसे रीसेंट हैपनिंग्स पूछी जाएंगी. जनरल मेंटल एबिलिटी में आपकी क्रिटिकल रीजनिंग चेक होगी, जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इन्फ्रेंसेस, स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेट्रा. लॉजिकल एबिलिटी में आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एनटीए मॉक टेस्ट भी रिलीज करेगा फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग सीयूईटी एग्जामिनेशन. एनटीए रिमोट एरियाज में टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर भी सेटअप कर रहा है, ताकि कैंडिडेट्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कोई दिक्कत ना आए. कैंडिडेट्स अपने आप को एनटीए वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि वो टेस्ट सेंटर फैसिलिटीज को एक्सेस कर पाए. एप्लीकेशन फॉर्म आपके 6 अप्रैल से ओपन हो चुके हैं और 6 मई डेडलाइन है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की. एग्जामिनेशन की डेट आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैव अ ग्रेट डे.